चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्या लग रहा है इसमें, क्या समीकरण आपको नजर देखो फिलहाल तो जो समीकरण है समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से इकरा प्रत्याशी है, लेकिन अगर भाजपा का भी कोई ऐसे ही कैंडिडेट आता है तो इस स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जैसे ये अभी जयंत साहब थे भाई, गठबंधन था पहले, अब ये उधर चले गए तो फर्क पड़ेगा कुछ इस सीट पर? नहीं, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ने लगा, एक तरफा है जी करेगी को लगा गड़बड़ करे सबको। अभी आपने तो कहा चंडीगढ़ मेयर में वो तो बैलेट पेपर से हुए थे और 8 वोट मतलब 36 वोट पे कर दिया काम। मुसलमानों पे टक्कर नहीं है बीजेपी को रहने का। जब क्या कह रहे जयंत चौधरी चला गया उसकी तरफ तो मुसलमान भी बीजेपी की तरफ जाएगा, उनके पीछे जाएंगे। 13 महीने बैठे किसान, 700 किसान, 750 किसान शहीद भी हुए, तो ये चीज नहीं मायने रखती आदमी के लिए? नहीं, मायने कुछ नहीं रखा इनके लिए। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है अभी और ये कैराना लोकसभा सीट पड़ती है। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये गांव है हिंड और हिंड गांव का ही बस स्टैंड है, तो हम ये आसपास जानने की कोशिश करेंगे कि किन क्या मुद्दे हैं इस बार जनता के चुनाव को लेकर। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सर। ये तो मुझे ही दे दो जी। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। राकेश जी, चुनाव आ रहे हैं लोकसभा जी सर। तो ये कैराना लोकसभा सीट है आपके यहाँ जी, जी। तो क्या लग रहा है इसमें, क्या समीकरण आपको नजर? देखो फिलहाल तो जो समीकरण है समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से इकरा प्रत्याशी है, लेकिन अगर भाजपा का भी कोई ऐसे ही कैंडिडेट आता है तो इस स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर क्योंकि हमारा क्षेत्र ये फिलहाल इधर का बहुमूल्य क्षेत्र मोमडन का है, अगर बाई दफे उन्होंने भी कोई मोमडन प्रत्याशी उतार दिया तो ऐसी कोई बात नहीं, परिस्थिति बदल भी सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। सबसे ज़्यादा मेन फोकस जनता का रोजगार पे है और शिक्षा पे है और सुरक्षा पे है। तो आपको क्या लगे जो सरकार है 10 साल पूरे हो जाएंगे मोदी सरकार के जी, जी। उनके काम कैसे लगे? जैसे आप कह रहे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं भाई। देखो काम तो सारे ठीक है सरकार के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी, लेकिन सबसे मेन समस्या जो है जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार के बच्चे जो शिक्षित हैं और जो है रोजगार की जो संभावनाएं हैं जो फिलहाल जो है अभी दिख नहीं रही, ठीक है। सबसे मेन ज़्यादा जो फोकस है रोजगार पे, और सरकार अगर रोजगार के प्रति जो है अगर ध्यान देगी तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भर्तियाँ करा रहे हैं, अग्निवीर ले आए, अभी यूपी पुलिस की भर्ती थी खैर रद्द हो गई जी। तो ये इस पर आप किस तरह से देखते हैं भर्तियाँ जो रद्द हो रही है? भर्तियाँ जो रद्द हो रही, लेकिन अभी जो है जो हमारे रोजगार प्राप्त करने वाले जो युवा हैं उनकी स्थिति जो है असमंजस में है, उनको नौकरी मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। वे ये चाहते हैं कि हमें जो है कम से कम सरकार ऐसी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे गठबंधन की हो, जिससे हमें रोजगार मिल जाए और हमारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे और जो है सुरक्षा हमें प्रदान हो, परिवार की स्थिति जो है सुधर जाए। नौजवानों के हक में सही लगा है सरकार आपको जो पिछले 10 साल चली गई काम वाम करके गई? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है नौजवानों के जो है हिसाब से, लेकिन मेन समस्या रोजगार की है, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की मेन समस्या, अगर रोजगार के प्रति सरकार ध्यान देती है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे थे कि इकरा सन का थोड़ा पलड़ा भारी, तो इकरा सन का जो है जो हमारा ये क्षेत्र है फिलहाल ये कैराना वाला क्षेत्र, यहाँ पे मोमडन और बोट ज़्यादा है और जो है क्या नाम जो वैसे निम्न वर्ग के सदस्य भी है, अगर प्रत्याशी फिलहाल इकरा सन है तो इसमें कुछ इनका रुझान बन भी सकता है। अगर भाजपा सरकार ने इनको मोमडन प्रत्याशी या ऐसे ही कोई प्रत्याशी लाती है तो जो है परिस्थिति बदल भी सकती है। सांसद है आपके यहाँ प्रदीप चौधरी जी, जी उनका जी। कैसा रहा काम, कैसा लगा? तो सांसद है प्रदीप चौधरी जी, लेकिन उनके इस कार्यकाल में यहाँ पर जो है फिलहाल हमें उनके दर्शन भी नहीं हुए, कभी आए नहीं गाँव में, कभी नहीं आए। अगर भाजपा से उनको टिकट होता है दोबारा, अगर भाजपा को उनसे दोबारा टिकट होता है तो अगर वे कुछ इच्छा जाहिर करते हैं रोजगार के प्रति, आत्मसम्मान के प्रति या बेरोजगारी के प्रति या शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए, तो उनके बारे में सोचे भी जा सकते हैं। आप कह रहे हैं इकरा आसन का थोड़ा बन सकता है? इकरा आसन का बन सकता है अगर सरकार जो है क्या नाम अन्य किसी प्रत्याशी को टिकट देती है। लेकिन जैसे पहले भाई गठबंधन में बात हो रही थी सपा लोक दल
साथ आ रहे थे, लेकिन अब जयंत चौधरी जी तो उधर चले गए, तो इससे फर्क तो जरूर पड़ेगा। जो लोकदल प्रत्याशी है था उनका वोट बैंक उधर भाजपा में जरूर ट्रांसफर होगा। जाट वोट किसके का? हाँ, जाट वोट किसके का? तो फिर तो समस्या हो जाएगी इकरा को। हाँ, इकरा को समस्या हो सकती है। प्रधान जी है जी, मौजूदा प्रधान है, आप बताओ आप यही के हो गाँव के? हाँ जी। अच्छा जी, तो चुनाव उसी की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव आ रहे, क्या लग रहा यहाँ से, क्या देख रहे माहौल बनेगा? भाई तो डिक्लेयर ही नहीं है मामला कुछ, डिक्लेयर एक तो हो गया सपा से इकरा सन का टिकट हुआ कैराना से, तो क्या लगे इधर प्रदीप चौधरी जी है सांसद पहले? नहीं कहा है, भी तो नाम भी नहीं है उनका। देखे नहीं कभी? नहीं कहा देखे, नहीं नहीं पहले है, पहले भी तो देखे हमने, हम तो जानते ही नहीं उन्हें। ऐसा क्यों? तो भाजपा से इनका बोल लो, कोई जाना है प्रदीप को? काम वाम नहीं किया काम में, चमका ही रहा है ना शिकल, तो बता दो किसी उसकी फोटो फाटो दिखा दो कोई। तो ये तो लोग तो कह रहे कि भाई बढ़िया काम हो रहे हैं, सरकार बढ़िया चल रही है। नहीं सरकार तो चाहे बढ़े चलो चाहे घटे, हमने तो देखा नहीं आज प्रदीप कहाँ है, किसी ने भी देखा कोई बता दो। आस पास कुछ काम हुए? अभी तो पत्ते खुले ही नहीं, क्या पता कौन किस में आवे किस में कौन आवे, जब जाके पता लगेगा बाद में। तो किसे लगा टिकट हो सके, पत्ता किसका खुलेगा? अभी तो देख देखो क्या हो, थोड़ा सा आइडिया तो इकला दल का भी बदला जा सके, कोई गठबंधन मायावती का टिक गएंगे आगे क्या पता कौन आ जाए। इकला का तो कह रहे हो गया सपा से, कट भी सके अभी का भर भी सके भर थोड़े दिए अभी। अच्छा, आपको क्या लगा भाई जी, कैराना सीट है जी? हाँ तो अभी भी पता ही नहीं लग रहा कुछ क्या होगा, कन्फ्यूजन ही है। हाँ भाई गठबंधन क्या सब बसपा सभा का हो जाए तो कुछ तो हो सके। अब अन्य तो इकरा जीतेगी हाथ है, ये तो बीजेपी का नहीं बोल रहा। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम? मोहम्मद तसव्वुर जी। तसव्वुर भाई क्या लग रहा है यहाँ से? जीतेगी जी जी, टिकट खुलेंगे धीरे धीरे। तो जैसे ये अभी जयंत साहब थे भाई गठबंधन था पहले, अब ये उधर चले गए, तो फर्क पड़ेगा कुछ इस सीट पर? नहीं इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ने लगा, एक तरफा है जी इकरा की, एक तरफा है जी सारी इकरा की। जी क्या करते भाई? सारी इकरा की है। ऐसा क्यों लगे? और भी तो है, भाजपा भी तो दावा कर रही है इकरा है जी यहाँ से। अच्छा, जनता के बीच? जनता के बीच है, प्रदीप को नहीं जानता है कोई, प्रदीप पसंद जब नहीं पहचानेगा कोई भी। अगर इन्हें फोटो दिखा दिया ना मुझे भी इन्हें भी तो पहचानने के नहीं, हमारा सांसद है या नहीं है, यही शिकायतें मिल रही है हर जगह। तो ऐसा क्यों? तो काम वाम नहीं हुए क्षेत्र में? अजी काम तो जब होगा जब सांसद दिखे, जब सांसद ही नहीं देखा हमने आज तक, पता ही नहीं कौन है हमारा सांसद। अब आ जाएंगे चुनाव में काम से जाने जी, प्रदीप चौधरी हमारा सांसद बस, इससे आगे कुछ पता ही नहीं किसी को। यहाँ तो ये बच्चे बच्चे जाने हैं ग्रसन को, बच्चे बच्चे जाने हैं, आज भी रहेगा हूँ मैं शादी में प्रोग्राम में और अपना दुख सुख में सब में आ गए। प्रदीप चौधरी कोई नहीं जानता यहाँ से, अभी उन्हीं का टिकट हुआ है सपा से। किनका जी? ग्रसन का हो गया। हाँ तो कोई नहीं जी, जिता के भेजेंगे यहाँ से, एक का वोट उन्हीं की है। तो एक चीज़ बताओ जी, जैसे भाई लोकसभा चुनाव है कह रहे इस बार 400 पार ये हो गया, मोड लग रहे जगह जगह, तो लगे मोदी सरकार का काम कैसा रहा? नहीं कुछ भी हो सकता है अगर चुनाव में, मतलब जैसे कि अगर 15-20 दिन की गिनती का टाइम मिलेगा तो भाजपा नहीं आनी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई झूठ नहीं है इसमें। अगर 15 दिन तो पहले काउंटिंग होगी तो फिर भाजपा कोई नहीं जिताना। कुछ लोग कह रहे हैं मशीनों में गड़बड़ है, चाहे बैलेट पेपर से करवा दो, अगर इतना टाइम दोगे ना काउंटिंग के लिए तो फिर यही जीतेंगे जी। हाँ अगर पर लगे गड़बड़ करे सबको, अभी आपने तो खन चंडीगढ़ मेयर में वो तो बैलेट पेपर से हुए थे और 8 वोट मतलब 36 वोट पे कर दिया काम, और जब करोड़ों में लाखों में वोट पड़े फिर क्या हो सके? ये तो बेईमानी, फिर ऐसा हो रहा देश में, ऐसा हो रहा है और वो हमारे से ज्यादा आपको पता, इतना हमें नहीं पता जितना आपको पता। हम तो यहाँ है, यहाँ से वहाँ चले गए बस, तुम सारे में घूम रहे हो, तुम्हें ज्यादा मालूम है। लोग कह रहे थे महंगाई है ये सब बढ़ रही है, देखो महंगाई महंगाई तो देखो है ही, इसमें तो कोई शक है नहीं, पर रोजगार भी बढ़े ऐसे कुछ इस तरह की चीज़ें। देखो रोजगार हमारे, हम तो जब भी ऐसे थे हम पढ़े लिखे तो इतने ही नहीं जो हम सरकारी रोजगार ढूंढ रहे, फिर हमारी उम्र भी नहीं रही रोजगार ढूंढने के लिए, हमें तो जो करना, लेकिन बच्चों के लिए तो मामला खराब ही हो रहा ना। खेती किसानी वालों के लिए कैसा रहा भाई? 10 साल नहीं रहा ये मामला खराब ही है, किसान तो आंदोलन कर रहे हैं।
कर रहे बेचारे पहले भी खड़ा था उन्होंने। क्या लगे भाई जैसे आंदोलन चल रहा किसानों का पंजाब आ रहा उधर ना। अच्छा क्या आपको क्या लगा भाई जैसे ये भाई कह रहे किसान की मांग नहीं भाई? हम तो किसान हैं, हम तो मजदूर आदमी है भाई। तो मजदूरों के लिए कुछ लगा है? मजदूरों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मजदूरी वगैरह बड़ी हो भाई, सरकार तो सब ठीक है जी। अच्छा चलो, नमस्कार बड़े भैया, ये कि गांव से ही हो? हाँ जी। चुनाव की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव आ रहे तो कराना सीट है, वोट तो करते ही होंगे, क्या लग रहा किसे जिता रहे? हम तो इकरा को देंगे वोट। इकरा को? अच्छा, क्या नाम है आपका? मोबिन। मोबिन, अच्छा। तो पहले जो सांसद है उनका कैसा रहा काम? उनका बढ़िया हो या घटिया हो हमें इस बात का मतलब। अच्छा, आप इकरा को? हाँ। तो हम चुनावी सर्वे सा कर रहे थे, ऐसे ही लोकसभा चुनाव आ रहे, क्या लगे कैसा काम रहा सरकार का? सरकार का काम बढ़िया रहा, बीजेपी को वोट करेंगे अब क्या? मुसलमानों पे टिक्का तोड़िएगा भाई, मुसलमानों पे टिक्का नहीं है बीजेपी को रहने का। जब क्या कह रहे जयंत चौधरी चला गया उसकी तरफ, तो मुसलमान भी बीजेपी की तरफ जाएगा, उनके पीछे जाएंगे। तो लोक दल को कह रहे हो? हाँ, लोक दल को वोट करेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई धोखा दे दिया ये। नहीं नहीं, धोखा धक्का कुछ नहीं है, धोखा कुछ नहीं है भाई, जहाँ से अशरफ अली जा लिया उसी के पीछे चलेंगे। लेकिन जैसे भाई लोक दल की बात करें, अगर 13 में पार्टी डाउन हो गई थी, किसान आंदोलन हुआ, दोबारा वापस आए, 8-9 विधायक बनाए, जिनका विरोध कर रहे थे आज उनके साथ ही जा रहे। अजी इस बात को तो छोड़ दो, वो तो राजनीति है, वो तो राजनीति है, वो तो अपना काम करना उन्हें तो। लेकिन किसान 13 महीने बैठे किसान, 700 किसान, 750 किसान शहीद भी हुए, तो ये चीज़ नहीं मायने रखती आदमी के लिए भाई? नहीं, मायने कुछ नहीं रखा इनके लिए, कुछ नहीं कर रहे। तो जैसे भाई लोग कह रहे थे कि भाई नौजवानों के लिए भाई भर्ती वगैरह ये सब दिक्कतें है, भर्ती में तो बिक गया, भर्ती में तो बिक गया, 700 रुपये का पेपर नहीं बिक गया श्यामली में, 700 रुपये में बिक गया, कहाँ फॉल्ट नजर आवा इस तरह? लोग तो तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, भर्ती तो होने की भी नहीं, होने की ना भर्ती, ये तो लाए थे 6 महीने का टाइम दे दिया, 6 महीने बाद पेपर है, उस सरकार को पैसे चाहिए थे, पैसे ले लिए, अब कौन कर रहा भर्ती, होने की ना भर्ती, अब चुनाव के टाइम निकाल लिया। अजी चुनाव का टाइम, चुनाव को तो क्रॉस हो जान दो आप, चुनाव के बाद कोई भर्ती करने का ही नहीं से ना होने की। आज लो योगी की सरकार में हुई क्या? कानून व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था ठीक है, बढ़िया एकदम, पहले नहीं थी। खेत खात में चले जाओ, कोई रात को कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन भाई पता चला अखबार पढ़ा, अखिलेश की सरकार में तो जेब कट जाती रात को 8-1 बजे इसी जंगल में जाते हुए, लेकिन ट्वेल तो अभी पढ़ रहे अखबार में पढ़ रहे। ये तो नशे पसे वाले मंड रहे, गांव वाले मंड रहे, और कौन है? चुनाव की बात कर रहे थे ऐसे ही, यहाँ तो एक जीत रही, जीत रही। हाँ अच्छा, ये भी दावा कर रहे भाजपा वाले भी, जहाँ जिसके मर्जी वहाँ देता, यहाँ तो एक सही संपर्क हो रहे गांव में, बढ़िया काम कर रहे वो तो रोज आवे है। हाँ मार तो जागते हो, UMP रहा 5 योजना कर 5 साल में लग रहा, देखा भी नहीं हमने तो कैसा हो, काम नहीं किया कुछ, देखा नहीं जीप, देखा ही नहीं काम क्या कर रहा वो, समस्या है, समस्या तो यही सड़क सारी टूटी पड़ी है, ये यहीं देखने का होगा। हम उत्तर प्रदेश में जिला शामली में थे, कैराना लोकसभा सीट है ये, लोगों से हमने यहाँ बस स्टैंड पर बातचीत की, लोगों की अलग अलग राय है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इकरा हसन को टिकट हुआ है वो भी मैदान में हो सकती है, और अभी जिन पार्टियों से अभी टिकट नहीं हुआ है उनका उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लोगों का ये मानना है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद। इंट्रो दोबारा लो, ले लो ये। याद जी क्या नाम? मगर अली मिली। अच्छा, अली मिली हो रही।